ऑफ चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम करेंगे 9th ऑफ जून के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ पीस इनॉग्रेटेड बाय अमित शाह ऑफ स्वामी रामानुजनचार्य इन श्रीनगर। मूर्ति का उद्घाटन किया गया है स्वामी रामानुजनचार्य जी की कहाँ पर? इन श्रीनगर। स्वामी रामानुजनचार्य इन्होंने भक्ति मूवमेंट चलाई थी। भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड बाय स्वामी रामानुजनचार्य और इन्हीं की ही मूर्ति का उद्घाटन किया गया है, स्टैचू का उद्घाटन किया गया है इन श्रीनगर। और श्रीनगर कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर। अमित शाह जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अगर मैं कुछ मूवमेंट्स की बात करूँ या कुछ स्टैचूज की बात करूँ तो स्टैचू ऑफ नॉलेज ये कहां पर है? ये है महाराष्ट्र। और किन की मूर्ति है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। फिर है स्टैचू ऑफ पीस। एक स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान में भी है और एक सेकेंड मूर्ति बनी है ऑन स्टैचू ऑफ पीस जो श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में है। एक स्टैचू ऑफ इक्वालिटी फरवरी 2022 में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहां पर? हैदराबाद तेलंगाना में। कितनी? 216 मीटर। एक है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करूं तो 182 मीटर की हाइट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है और नर्मदा रिवर पर है। और कौन से विलेज पर? केवड़िया इन गुजरात। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करूं तो 31 अक्टूबर को कौन सा डे मनाते हैं हम? यूनिटी डे ऑन द बर्थडे ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और स्वामी रामानुजनचार्य का एक फेमस क्वाट है, वासुदेव कुटुंब। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैंगो फेस्टिवल 2022 इन उत्तर प्रदेश। आम का फेस्टिवल उत्तर प्रदेश में हुआ है और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पर? इन लखनऊ। लखनऊ में हुआ है। कौन सी रिवर पर बसा हुआ है? लखनऊ गोमती। और नवाबों का शहर भी किसे कहा जाता है? लखनऊ को। इंडिया का पहला ब्रह्मोस सेंटर भी कहां पर है? इन लखनऊ। और इंडिया की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी ये भी कहां पर है? इन लखनऊ। उत्तर प्रदेश अभी अभी एक रैंक आई थी, नेशनल वाटर कंजर्वेशन रैंक। नेशनल
नेशनल वाटर कंजर्वेशन रैंक में उत्तर प्रदेश का कौन सा रैंक रहा? पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश रहा, और सेकंड नंबर पर कौन रहा? राजस्थान। ब्रह्मोस कैसी मिसाइल है? तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है। किस कंट्री की सहायता से हमने बनाई है? रूस से। और हम किस कंट्री को एक्सपोर्ट करने वाले हैं? फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी मनीला। स्मृति ईरानी बिकेम मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर। एक मिनिस्टर है, उनका नाम है मुख्तार अब्बास नकवी। ये राज्यसभा के मेंबर हैं। अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो हमारे संविधान के 80 आर्टिकल में राज्यसभा का जिक्र है, और कितनी सीट्स हैं? 250 सीट्स हैं मैक्सिमम। और लेकिन करंटली कितनी सीट्स हैं? 245 सीट्स हैं करंटली। और इन सीट्स में जो मुख्तार अब्बास नकवी हैं वो मेंबर थे कहाँ के? राज्यसभा के। और इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, जिसकी वजह से उनके पास ये मिनिस्ट्री भी खत्म हो रही थी। इसीलिए मुख्तार अब्बास नकवी की जगह माइनॉरिटी वेलफेयर के मिनिस्टर किसको बनाया गया है? स्मृति ईरानी को। मुख्तार अब्बास नकवी के पास एक तो मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर थी, और एक है स्टील, स्टील मिनिस्ट्री भी इनके पास थी, पर स्टील मिनिस्ट्री अब दे दी गई है ज्योतिरादित्य सिंधिया को। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले हमारे कौन से मिनिस्ट्री, साथ साथ किसके मिनिस्ट्री हैं? सिविल एविएशन के मिनिस्ट्री। और स्मृति ईरानी किसके मिनिस्ट्री हैं? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इंडिया फर्स्ट एनिमल समिट 2022 इन न्यू दिल्ली। इंडिया का पहला पशुपालन पशु स्वास्थ्य समिट कहाँ पर हुआ है? इन न्यू दिल्ली पर हुआ है, और इसका उद्घाटन किसने किया? पुरुषोत्तम रूपाला ने। पुरुषोत्तम रूपाला कौन है? ये पशुपालन मिनिस्टर हैं हमारे, एनिमल हस्बेंड्री के मिनिस्टर हैं। अच्छा, न्यू दिल्ली के सीएम कौन है? तो अरविंद केजरीवाल। और कब हमारी राजधानी बनी न्यू दिल्ली? तो 1911 में। किसको रिप्लेस किया? कोलकाता को। हमारा अगला क्वेश्चन है, 5 पर्सन नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन राज्यसभा। आपको पता होगा कि अभी मैंने बताया कि राज्यसभा का जिक्र हमारे संविधान के 80 आर्टिकल में है, और कितने मैक्सिमम मेंबर्स? 250 मेंबर्स। पर करंटली कितने मेंबर्स हैं? 245 मेंबर्स है, और इन 245 मेंबर्स में 12 मेंबर्स कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। कौन से फील्ड में होने चाहिए? या तो आर्ट्स में, साइंस, लिटरेचर और सोशल सर्विस। इन चार फील्ड से कोई एमिनेंट पर्सनैलिटी को राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। और अब किसको किया है? एक है पीटी उषा। पीटी उषा केरला की रहने वाली है, और इसको नॉमिनेट किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। एक है इलाई राजा। इलाई राजा सिंगर रहे हैं, और कहाँ के हैं? ही इज फ्रॉम तमिलनाडु। थर्ड नंबर पर है वीरेंद्र प्रसाद। और वीरेंद्र प्रसाद कौन है? ये है स्क्रिप्ट राइटर, बजरंगी भाईजान हो गई, इनकी स्क्रिप्ट राइटर लिखी हुई है फिल्म। और फोर्थ नंबर पर है ये भी जिंदर प्रसाद,
विजेंद्र प्रसाद और एक है लास्ट है वीरेंद्र हेगड़े। ये कौन है? ये सोशल सर्विस है। पीटी उषा को उड़नपड़ी भी कहा जाता है। और 1986 में जब सियोल में एशियन गेम्स हुए थे तो इन्होंने कितने गोल्ड मेडल्स जीते थे? तो इन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीते थे सियोल एशियन गेम्स में 1986 में। अच्छा, गवर्नर जो होता है वो भी नॉमिनेट करता है इन लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और कितने फील्ड्स में करता है? वो 4-5 फील्ड्स में करता है। एक कॉर्पोरेशन, मतलब राष्ट्रपति सिर्फ 4 फील्ड्स में करता है लेकिन गवर्नर 5 फील्ड्स में करता है, मतलब अधिक पावर किसके पास है? गवर्नर। बाकी सोशल सर्विस हो गई, आर्ट्स हो गया, साइंस हो गया और लिटरेचर हो गया। गवर्नर का जिक्र हमारे संविधान के 153 आर्टिकल में। अमिताभ कांत विल बी शेरपा ऑफ G20। G20 की बात करूं तो ग्रुप ऑफ 20 है जिसमें 19 कंट्रीज हैं और इंडिया भी वन ऑफ मेंबर है, और एक यूरोपियन यूनियन का संगठन है। G20 का कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है, और G20 की जो 2023 की बैठक है उसकी अध्यक्षता इंडिया करने वाला है, और जो भी G20 का रिप्रेजेंटेटिव होता है वो कहलवाता है शेरपा। और हमारे 2023 के पहले शेरपा घोषित किए गए थे पीयूष गोयल, और अब उन्होंने इस अमिताभ कांत होंगे शेरपा G20 के। अगर मैं बात करूं यूरोपियन यूनियन की तो कितनी कंट्रीज हैं? 27 कंट्रीज मेंबर्स हैं और हेडक्वार्टर बेल्जियम ब्रुसेल्स है, और एक बेल्जियम ब्रुसेल्स में एक और संगठन का हेडक्वार्टर है नाटो। हमारा अगला क्वेश्चन है डॉक्टर जिंदर प्रसाद मेमोरियल अवार्ड स्टार्टेड। नए अवार्ड की शुरुआत की गई है डॉक्टर जिंदर प्रसाद मेमोरियल अवार्ड, और किस फील्ड में दिया जाएगा? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। डॉक्टर जिंदर प्रसाद की बात करूं तो हमारे पहले राष्ट्रपति रहे हैं और 1962 में इनको भारत रत्न से नवाजा गया था, और इनकी फेमस बुक इंडिया अनडिवाइडेड। हमारा लास्ट क्वेश्चन है बोरिस जॉनसन रिजाइन। आपको पता होगा कि यूके में जो जितने भी बोरिस जॉनसन की कैबिनेट थी उन्होंने रिजाइन कर दिया है और इनके खिलाफ हो गया, इसीलिए बोरिस जॉनसन ने रिजाइन कर दिया है। अगर यूके की बात करूं, यूके और फ्रांस के बीच में एक बहुत फेमस चैनल है जिसका नाम है इंग्लिश चैनल, और इसको डोवर भी बोला जाता है, डोवर चैनल भी। दुनिया की सबसे ज्यादा मछलियां यहाँ पर पाई जाती हैं इस चैनल में। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।